राजस्थान में भारी बारिश से तबाही, 12 जिलों में बाढ़ जैसे हालात, कई रूट्स पर ट्रेन भी कैंसिल हुई। तेज रफ्तार पानी कैसे सब कुछ बहा ले जाता है वो देखिए। ये छोटा ट्रक पानी में ऐसे बह गया जैसे कोई पत्ता हो। ये वैन भी पानी में बह गई। जल प्रलय की ये तस्वीरें राजस्थान के बूंदी से आई हैं। लगातार हो रही बारिश से बूंदी में नदी नाले उफान पर हैं, नदियां खतरे के निशान को पार कर गई हैं। कई गांव में पानी भर गया, रास्ते पानी में डूब गए हैं। 2 दर्जन से ज्यादा गांव का संपर्क कट गया है। बूंदी में 48 घंटे से तेज रफ्तार बरसात हो रही है। यहां 8 इंच से ज्यादा पानी बरस चुका है। कई नदियों के पुल पानी में डूब गए हैं। हालांकि जान जोखिम में डालकर लोग इन पुलों को पार कर रहे हैं। पाली में बारिश ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहां 24 घंटे में 13 इंच बरसात हुई। बरसात के लिए तरसने वाले पाली में इतनी बारिश हुई कि 56 कॉलोनियां पानी में डूब गई हैं। कई रिहायशी इलाकों में 4 से 5 फीट तक पानी भर गया। सड़कें दरिया बनी हुई हैं। 12 कॉलोनियों का संपर्क शहर से कट गया है। पाली मारवाड़ रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया, इससे ट्रैक को बंद करना पड़ा और रेल ट्रैफिक थम गया। जैसलमेर के रेतीले इलाके पानी में डूब गए हैं। यहां भारी बारिश के बाद कायके नदी उफान पर है। नदी के बीच बना चुंधी गणेश मंदिर के अंदर तक पानी भर गया है। चुंधी गणेश की प्रतिमा पानी में डूब गई है। जान जोखिम में डालकर इस नजारे को देखने के लिए सैकड़ों लोग मंदिर परिसर में पहुंच रहे हैं। राजस्थान के 17 जिलों में भारी बारिश हो रही है। 4 जिलों में ऑरेंज और 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मारवाड़ रीजन में तेज बारिश के चलते 6 ट्रेनें भी कैंसिल करनी पड़ी। टोंक में बाढ़ में बही रोडवेज की बस, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बस का ड्राइवर भी तेज रफ्तार पानी में बहा। आधी बस पानी में पूरी तरह डूब चुकी है। बस के पिछले हिस्से में खिड़की पर बस ड्राइवर खड़ा है। ड्राइवर को निकालने के लिए SDRF की टीम पहुंची है। बस ड्राइवर के पास रेस्क्यू टीम का एक सदस्य पहुंचता है, लेकिन तभी एक छोटी सी लापरवाही और तेज रफ्तार पानी में बस ड्राइवर बह गया। ये रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें राजस्थान के टोंक से आई है। यहाँ मालपुरा का टोडी सागर बांध ओवरफ्लो होने लगा। बांध को पार करते समय रोडवेज की बस बह गई। बस में कोई सवारी नहीं थी। ड्राइवर बहुत देर तक तेज रफ्तार पानी में फंसा रहा। SDRF की टीम ने मौके पर पहुंचकर ड्राइवर को निकालने की कोशिश की, लेकिन छोटी सी लापरवाही के कारण ड्राइवर तेज रफ्तार पानी में बह गया। बांध ओवरफ्लो होने की वजह से आसपास के कई गांवों में पानी भर गया है। आसपास के रहने वाले 10 गांव के लोगों को सावधान रहने की चेतावनी दी गई है। वाराणसी में तेजी से बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, घाट डूबे, अब सीढ़ियों तक घुस सकता है गंगा का पानी। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वाराणसी में गंगा का वाटर लेवल 66 मीटर तक पहुंच गया। गंगा में हर घंटे 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से पानी बढ़ रहा है। अगर इसी तरह गंगा का जलस्तर बढ़ता रहा तो आने वाले 72 घंटे में वाराणसी के घाटों से ऊपर उठकर गंगा का पानी बनारस की गलियों में घुस सकता है। गंगा में नावों को बैन कर दिया गया है। घाट डूब गए हैं। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती छत पर कराई जा रही है। इस बीच वाराणसी के चौक थाना इलाके में कचौड़ी गली मणिकर्णिका द्वार के पास 2 जर्जर मकान गिर गए। मलबे में फंसे हुए लोगों को NDRF और SDRF की मदद से रेस्क्यू किया गया। वाराणसी में बीते 2 दिनों में तेजी से बढ़ा है गंगा का जलस्तर। बढ़ते गंगा के जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सावधान रहने को कहा है। हिमाचल में आपदा प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 8 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। बादल फटने और भारी बारिश से जो तबाही हुई है ये उसी के निशान हैं। हिमाचल प्रदेश में रामपुर से लाहौल स्पीति तक जल प्रलय के निशान दिख रहे हैं। रामपुर के स्मेज में बादल फटने के बाद हुई तबाही के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यहां दूर दराज फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है। लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। मंडी से सांसद कंगना रनौत उन जगहों पर पहुंची जहां बादल फटने से तबाही हुई है। कंगना ने रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। नरेंद्र मोदी जी 1800 करोड़ का पैकेज भेजा था उन्होंने, अब भी भेजेंगे वो, और वो जाएगा सुक्खू जी को। मैं कहूंगी कि एक स्पेशल इंक्वायरी बिठाई जाए इन पे। बादल फटने से शिमला, मनाली और कांगड़ा में भारी नुकसान हुआ है। इन जिलों में अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपदा में 16 लोगों की जान गई है जबकि 30 से ज्यादा लापता हैं। लैंडस्लाइड और बाढ़ के कारण 87 सड़कें बंद हैं। लाहौल के म्याड़ घाटी में आई बाढ़ के कारण सड़कें बह गई हैं। कई गांवों का संपर्क
कट गया है। किसानों की फसल भी डूब गई है। कुल्लू के मलाणा में 31 जुलाई की रात बादल फटने से पार्वती नदी पर बना पुल बह गया था। पुल बहने से मलाणा गांव का संपर्क देश दुनिया से कट गया था। उफनती नदी के ऊपर मलाणा के लोगों ने खुद ही लकड़ी का अस्थायी पुल तैयार कर लिया है। हिमाचल प्रदेश में 8 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट है। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए यहां प्रशासन चौकस है। खराब मौसम के बीच केदार घाटी में पूरा हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। कल से शुरू होगी केदारनाथ की हवाई यात्रा। लगातार हो रही बारिश और खराब मौसम के बीच भी रेस्क्यू टीम ने हार नहीं मानी। केदारनाथ में फंसे लोगों को निकालने के लिए छठे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। तेज बारिश के कारण नदियां उफान पर थी, सड़कों पर पानी भरा था। खराब मौसम के कारण चिनूक, MI-17 और सिविल हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहे थे। इसके बाद भी सेना के जवानों ने हार नहीं मानी। आर्मी ने मंदाकिनी नदी पर सोनप्रयाग को गौरीकुंड से जोड़ने के लिए अस्थायी पुल बनाया और NDRF SDRF के जवानों ने दूसरी तरफ फंसे लोगों को निकाला। सेना ने एक टेम्परेरी ब्रिज भी तैयार किया है। दरअसल इस टेम्परेरी ब्रिज के जरिए अब लोगों को इस नदी को क्रॉस कराने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि नदी उफान पर है और ऊपर से लोगों को निकालना बहुत मुश्किल है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर फंसे 150 से ज्यादा लोगों को निकाला गया। जंगल चट्टी से 160 से ज्यादा लोगों को निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए CM पुष्कर सिंह धामी खुद सोनप्रयाग पहुंचे थे। CM ने कहा कि जल्द ही केदार धाम की पैदल यात्रा शुरू होगी। हमारी प्राथमिकता है कि जल्दी से जल्दी यात्रा सुचारू रूप से चले और केदार घाटी पहले की तरह सामान्य स्थिति में आए। 6 दिन चले रेस्क्यू ऑपरेशन में करीबन 11,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। रास्तों की मरम्मत के बाद फिर शुरू होगी केदारनाथ की यात्रा। ABP News आपको रखे आगे।